नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक शिकायत मुझे अपने आप से है, लखनऊ की मेरी पैदाइश है और लखनऊ की बहुत सारी डिशेज आपको दिखाई नहीं है, तो आज सोचा कि एक बढ़िया सा उल्टे तवे का पराठा जो किसी भी कबाब के साथ करी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा उल्टे तवे का पराठा। अब आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज ढूंढ के मैं लेके आ रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो, फ्री है बिल्कुल। उल्टे तवे का पराठा जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि वो उल्टे रुमाली के तवे पे जो मोटा होता है उस पे पकाया जाता है हल्का सा घी लगा के। लेकिन इसका जो डो है वो दो टाइप में बनेगा, जैसे हम स्टफ पराठा बनाते हैं वैसे ही ये बनेगा, लेकिन इसकी स्टफिंग में आलू गोभी मूली नहीं होगी, इसके स्टफिंग में होगा एक और डो जो कि ज़्यादा घी से बनेगा। जी हाँ, दो डो बनेंगे इसके, एक बाहर का जो डो है उसमें कम घी होगा और जो अंदर का डो है वो ज़्यादा रिच होगा। तो सबसे पहले अंदर वाला डो बना लेते हैं। एक कप मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा सैफ्रन, साथ में दो बड़े चम्मच घी, साथ में चुटकी भर चीनी। अब ये जो मिठास है ये इसे कलर भी देगी और स्वाद भी। जी हाँ, इलायची, सैफ्रन, मिठास, हल्का सा दूध, घी, समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल एकदम शानो शौकत है भैया, लखनऊ की रेसिपी है, हमारे लखनऊ में ऐसे ही बनता है। उल्टे तवे का जो पराठा है उसका इनर डो यानी कि उसकी स्टफिंग बन चुकी है, अब बाहर का डो भी बना लेते हैं। उसके लिए मैं ले रहा हूँ दो कप मैदा और दो कप मैदा में जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी। अब इसे दूध से हमें गूंदना है और सॉफ्ट डो गूंदना है। अब इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंद लेंगे। अब आखिर में एक चम्मच घी से इसकी मालिश की जाएगी। ये स्टफिंग वाला डो जो कि रिच है और बाहर का डो जो कि स्मूथ है, बढ़िया दूध से गूंदा हुआ है। अब इसकी जो लोई है इसके अंदर भरी जाएगी, लपेटा जाएगा, लच्छेदार बनाया जाएगा और उल्टे तवे पे पकाया जाएगा। देखो, घर पे उल्टा तवा यानी कि रुमाली तवा तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए या तो नॉर्मल तवे पे पका लीजिए या फिर कढ़ाई उल्टी करके देखते जाइए। अब सफ़ेद वाला जो डो है जो रिच नहीं है उसके अंदर ये येलो वाला डो लपेटा जाएगा यानी कि स्टफ किया जाएगा। उसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और उसके बाद इसे बीच में से इस तरीके से काट के तिकोना रोल करेंगे और फिर एक गुलाब के फूल की तरह बना के इसे प्रेस कर देंगे और ये बन गया उल्टे तवे पराठे का लोई, बिल्कुल तैयार। अब इसे लपेट के बढ़िया से तवे पे हल्की आंच पे पकाना है। अब वैसे उल्टे तवे का पराठा बनाया जाता है मोटे रुमाली के तवे पे जो कि उल्टा करके गर्म करके बनाया जाता है। अब वो तो घर पे होता नहीं है, घर पे कढ़ाई तो होती है, लोहे की कढ़ाई जो थोड़ी सी मोटी वाली है उसे हम उल्टा करके उसी पे बनाएंगे उल्टे तवे का पराठा। नहीं तो अगर वो भी नहीं है, वैसे नहीं बनाना, तो उल्टे तवे का पराठा बनेगा सीधे तवे पे, डैडी टिप बन जाएगा।
कढ़ाई या फिर उल्टे तवे पर पकाने से जो अंदर का घी है वो भी पराठे में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल हीट मिल रही है, गोलाई में हीट मिल रही है और उसे हम दबाते जा रहे हैं। अब उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा के कपड़े से ही उसे फैला लिया जाए। कपड़ा साफ़ होना चाहिए, नया होना चाहिए, या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और उसे बढ़िया से क्रिस्पी कर लें दोनों तरफ से। अब वैसे दोनों तरीके के उल्टे तवे के पराठे तैयार हैं। एक कढ़ाई को उल्टा करके बनाया गया है और एक नॉर्मल तवे पे बनाया गया है। डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो कढ़ाई पे बना है वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हुआ है, बढ़िया खस्ता हुआ है, और जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा अनइवन है, क्योंकि तवा जो होता है वो देखने में सीधा लगता है बट वो एक्चुअली पूरी तरह से सीधा होता नहीं है। वैसे टेस्ट और टेक्सचर वाइज दोनों ही बढ़िया हैं, खस्ता है, करार है, मज़ेदार है। इस पर लगाओ बढ़िया चटनी, थोड़ा डालो प्याज, डालो कबाब और पहुंच जाओ लखनऊ। अब देखिए, उल्टे तवे के पराठे सिर्फ कबाब के साथ नहीं, सालन हो, कोरमा हो, बढ़िया सी पनीर की ग्रेवी हो, या फिर रोटी बना के थक गए हो ना कभी कभी, बोर हो गए हो, तो ये वर्की पराठा यानी कि उल्टे तवे का पराठा, इसे कुछ लोग ढकाई पराठा भी कहते हैं, मुगलई पराठा भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। खैर, तैयार है, बिल्कुल बढ़िया से गर्मा गर्म खाइए, इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। द बिग डैडी शेफ कुक बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।